राम राम सिया राम सलाम वालेकुम। नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केपीएल यानी कि कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में और इसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है हर्षल गिब्स के द्वारा। अगर आप 90s किड हैं या फिर 90s किड से पहले के किड हैं, मतलब आप 90s से पहले पैदा हुए हैं, मतलब उस टाइम से, तो ऑलमोस्ट आपको हर्षल गिब्स के बारे में पता ही होगा। ये एक फेमस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं और इनका एक्चुअल में अभी जो एज है वो है 47, यानी कि अपने बुढ़ापे के रास्ते पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है BCCI और KPL के बीच में। KPL क्या है? एक कश्मीर प्रीमियर लीग जो कि पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है, एक प्रोपागेंडा सीरीज है जिसको दिखाने के लिए कि कश्मीर में हम क्या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, या कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि उनका क्या प्रोपोगेंडा है। उसी में अब हर्षल गिब्स भी शामिल हो चुके हैं और हर्षल गिब्स ने कमेंट कर दिया है कि उन्होंने, मतलब एक्चुअल में ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि हर्षल गिब्स यानी कि मैं, मतलब उसको, हर्षल गिब्स को KPL ना खेलने की चेतावनी दी है BCCI ने। तो निश्चित तौर से दी है तो क्या करें, देंगे। और उसमें क्या चेतावनी दी है इसमें आप देख सकते हैं ट्वीट में। अब आप हर्षल गिब्स का ये जो ट्वीट किया है उन्होंने वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि कम्प्लीटली अननेसेसरी ऑफ BCCI टू ब्रिंग देयर पॉलिटिकल एजेंडा। मतलब BCCI को बोला है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है पॉलिटिकल एजेंडा तो है हमारा, और पाकिस्तानी इनटू द इक्वेशन एंड ट्राइंग टू प्रिवेंट मी प्लेइंग इन द KPL 20, ऑल्सो थ्रेटनिंग मी सेइंग दे वॉन्ट अलाउ मी एंट्री इन टू द इंडिया। सिंपल, क्यों अलाउ करेंगे जब आप हमारे ही एक पार्ट में जो POK है हमारा उसमें आप वहाँ पर जाके प्ले करेंगे, जो हमारा मतलब कब्जाया हुआ है उनकी तरफ से, तो आप वहाँ जाके अगर खेलेंगे तो फिर हम आपको इंडिया में क्यों आने देंगे। ये चीज़ है, ये थ्रेटन किया गया होगा और थ्रेटन किया गया है तो आई थिंक ये सही किया गया है कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसके साथ ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ है इसके अराउंड, उसमें हर्षल गिब्स ने इस तरह का कमेंट किया है। उसके बाद लग रहा है कि इससे एक्चुअल में KPL जो प्रीमियर लीग है उसको ही एक तरीके से पब्लिसिटी मिल गई बहुत ज़्यादा। हालांकि इससे पहले कोई नहीं देखने वाला था शायद, लेकिन जब से ये हर्षल गिब्स की कंट्रोवर्सी हुई है उससे ज़्यादा लोगों का और उत्साह बढ़ाने वाली ये स्थिति पैदा कर दी गई है दोनों तरफ से। आई थिंक हर्षल गिब्स ने करा है या फिर BCCI ने करा है, लेकिन जिसने भी अगर इस कंट्रोवर्सी को उठाया है, हालांकि ये हर्षल गिब्स ने तो कमेंट कर दिया उसी के बाद से ये सारी चीज़ें हुई, और कह सकते हैं कि मतलब हर्षल गिब्स जिनकी एज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 47 ईयर्स के हैं और अभी ये चाह रहे हैं कि ये आप क्रिकेट खेलें और क्रिकेट खेलें वो भी KPL से, दैट और हिज विज ओनली। बट लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि अब इस जो KPL है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी जो प्रीमियर लीग हो रही है वो उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई इस कारण से। तो कह सकते हैं कि मतलब अब से हमारा फ़ायदा हुआ है या नुकसान ये तो अभी असेस करना मुश्किल है, लेकिन हाँ हमें अपना जो प्रोटेस्ट दर्ज कराना था वो हमने दर्ज करा दिया है। BCCI हालांकि किसी को एंट्री देने ना देने के लिए मुझे नहीं पता कि किस तरह से प्रोसेस करेगा, लेकिन फिर भी BCCI ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया। हालांकि मुझे लगता है कि BCCI ने सिर्फ हर्षल गिब्स को ही नहीं बाकी क्रिकेटर्स को भी आई थिंक कहा होगा कि वो ना जाए, लेकिन दिस इज़ द वन पर्सन वो एट, मतलब उन्होंने ही कमेंट कर दिया तो उनके तरफ से जब कमेंट आ गया तो इस पर्टिकुलर KPL को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई। और कह सकते हैं कि अब क्या होगा देखेंगे, मतलब अब लोगों में, लेकिन KPL के लिए लोगों में थोड़ा सा रोमांच जग गया होगा, ये बात भी है। खैर चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद, भारत माता की जय।